दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मंगलवार को दुर्ग विधानसभा के विभिन्न वार्डो में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को बताया कि आपके एक वोट से केंद्र से कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। कल की नामांकन रैली के बाद कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है और अब हम और ज़्यादा वोटों से यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। लगातार कांग्रेसियों का भाजपा में प्रवेश जारी है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? भाजपा का नारा है किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो वो दूसरे दलों के लोगों को पकड़ रहे हैं, बस काम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो दूसरे के दलों के लोगों को पकड़ने काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं। जनता के हितों को अनदेखी कर रहे हैं। इनका काम है खाली दूसरे दलों के लोगों को पकड़ो, नहीं पकड़ाते तो ED IIT DRI का छापा पड़वा दो, ये उनका काम है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। ये तो अभी कुछ नाम आए हैं, आने वाले समय में और भी बहुत से नाम आने की संभावना है, जिसके द्वारा फर्जी तरीके से भाजपा को चंदा दिया गया। आपका लगातार जनसंपर्क जारी है, इसके तहत अभी कार्यालय का शुभारंभ कब किया जाएगा? क्योंकि विधिवत एक कार्यालय जो है अभी तक शुभारंभ नहीं किया गया, ऐसा लोगों में बना हुआ संशय। हमारा कार्यालय 2 तारीख को खुल चुका है दुर्ग में, संशय वाली कोई बात ही नहीं है। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का आपको? भरपूर समर्थन मिल रहा है। ACN के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके माध्यम से? आप सभी का सहयोग आशीर्वाद अभी तक मिलता रहा है और आगे भी आप सभी के आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, और इस चुनाव में आप देश हित में, जनहित में अपना मतदान करेंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माता दी।